जनता को खाली लूटने का काम किया है, जैसे रेल बेच दी, कभी हवाई एयरलाइन बेच दी। अरे लूट लिस्ट भैया, लूट लिस्ट काम था यहाँ पर, तो बस अब लूटा भी जा रहा, बेचा भी जा रहा, हैरान मत होइए। अब राजीव कुमार कटियार जी को बस अब माला पहनाकर स्वागत तो किया गया, लेकिन बस अब कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष हैं ये, जमकर बोले। ये बस अब बरेली जिले के मीरगंज क्षेत्र से बोले। सनी गोस्वामी रिपोर्ट भेजे की देखो देखो यहाँ पर तुमको कटियार जी मिल गए, मगर राजीव कुमार से पूरा नाम लिखते हैं। और बस अब जमकर बोले, सरकार पर बस अब आरोप लगा रहे थे कि भैया रेल बेच दिया, लालच दे रही है, ऊपर से फ्री में राशन ले रहा। अब बस अब इनको बहुत दिक्कत है, हमको लगता है सरकार को इनसे पूछा चाहिए था कि राजीव कुमार जी ये काम करें कि ना करें, आपको दिक्कत तो नहीं। फिलहाल सुरेंद्र काका बोले कठेरिया जी, आज आपने मीरगंज कांग्रेस मुख्यालय पे जो मीटिंग ले रहे हैं, क्या कुछ मोटिव है मीटिंग का, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जनता से? जनता से यही कहना चाहते हैं, जो जनता के लिए हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जो हमारी सत्ता में जो पार्टी है जो जनता को लुभा रही है या उसको जो लालच दे रही है, लालच दे दे के उसको गलत रास्ते पे ले जा रही है। लालच हमेशा ही गलत होता है और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत गलत साबित होगा। लालच का मतलब क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं लालच का? लालच का मतलब ये है, जो जैसे फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे दे के उनकी स्थिति खराब करती जा रही है, और राशन के बाद में इनको खाली बोर्ड तक लुभा रही है, बोर्ड के बाद इनको कुछ नहीं देगी। जैसे पहले आपने देखा था कि गैस सब्सिडी देने की बात करी थी, उन्होंने धीरे धीरे गैस सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। ऐसे ही जनता को खाली लूटने का काम किया है, जैसे सत्ता की जो सत्ता की गवर्नमेंट है वो आप देख रहे हैं कि कभी रेल बेच दी, कभी हवाई एयरलाइन बेच दी, हमेशा सारी चीज़ बेचती चली जा रही है। यानी कि निजीकरण, निजीकरण का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है सब कुछ दूसरे हाथों में देती जा रही है। हमारी जो पार्टी है सारी सीटों पे लड़ेगी चुनाव। तो मतलब किसी से आपका वो होगा, गठबंधन होगा या अकेले लड़ेंगे? अब वो परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि क्या होगा, मगर अभी सारी सीटों पे गवर्नमेंट, हम सारी सीटों पे ही कैंडिडेटों को लड़ाई बात की जाए। अब कितनी बातें करेंगे, बात करते करते हम तो थक जाएंगे, बस अब कसम से बाल पक जाएंगे, हैरान मत होगे। खिलखिलाहट तो बहुत आ रही होगी, पर बस अब बरेली के लिए खास तौर से मीरगंज के लिए सनी गोस्वामी की रिपोर्ट। चलिए बस अब दूसरी खबर बाराबंकी जिले दिखा दे। यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, आज बकायदा बस अब कार्यकर्ता फूलों की माला पहनाकर स्वागत भी कर रहे थे और बैठक की गई। इस दौरान तुर्जपुनिया भी दिख रहे थे, सिकंदर अब्बास भी दिख रहे थे और कई सारी बस महिला कार्यकर्ताएं भी दिख रही थी। अभियान से लेकर बस अब कई मुद्दों को लेकर, खास तौर से अहम चुनावी मुद्दों को लेकर बातें की गई, चर्चाएं की गई। फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत बरेली के लिए एविनिस्टन फोर की बार वीडियो को चेकना कदम भूलिएगा, शानदार कर मिलते रहेंगे। अरे चाचा बेल आइकन दबा दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये बकायदा घंटे जैसे आकृति तुरंत टन से दबाओ।